खड़िया नगर में जो सीवरेज का कार्य चल रहा है, संबंधित ठेकेदार एवं कंपनी द्वारा पिछले 15 दिन से इस लाइन को खोद रखी है और इससे पाइपलाइन जो पानी का लाइन है वो डैमेज हो गई है, लगातार उसमें पानी आ रहा है। कल दिनांक को 21 तारीख को पाइपलाइन फूट गई, पानी बह रहा था, इसके बावजूद बहते हुए पानी में वो गिट्टी डाल के ऊपर से चले गए। शाम को बच्चों का जो ऑटो लेके आता है, बच्चों को लेकर, स्कूली बच्चों को, हमारे सामने बच्चे गिर गए थे, हम कॉलोनी वाले लेकर के बच्चों को लेके आए थे। रात को 10 बजे एक राजपूत परिवार के जो अपने सहपरिवार यहाँ आ रहे थे बच्चों सहित, जहाँ आप खड़े हैं अभी, वहाँ गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। उस कार में बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसका पूरा टायर अंदर चला गया था। लेडीज अगर सावधानी से नहीं उतरती उनको पाँव फ्रैक्चर हो जाते, कुछ भी हादसा हो सकता है। उनको बुलाया और सीवरेज वालों से बातचीत की, उन्हें कहा था ये तो पानी तो आ रहा था, आता रहेगा। मैंने कहा आपने काम क्यों किया, जब आ रहा है तो पहले पानी का इलाज करो उसके बाद काम करो। फिर भी अनसुनी करके वो चले गए। आप भी आज अभी आए हो, इतना होने के बावजूद भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं। ट्रैक्टर से पानी लगातार ये कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं कर रहे। सामने जो लाइन खुदी हुई है वो 10 दिन से खुदी हुई है। अगर आज घर में किसी की कैजुअलिटी होती है या कोई डिलीवरी केस होता है, महिला को हॉस्पिटल पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सभी विभागों को, UIT को, नगर परिषद को, सीवरेज को, सबों को निर्देश दिए हैं, फिर भी कलेक्टर साहब के निर्देशों की अवहेलना करते हुए ये लोग ये कार्य कर रहे हैं और आम पब्लिक परेशान। हमारी दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली का असर लेकर के चल रहा है और इसके बावजूद ये लोग अनसुना करके अपना, आप देख रहे हैं इतनी होने के बाद सुबह इतने 50-100 आदमी आते, इसके बावजूद काम छोड़ के चले गए। ये सुखाड़िया नगर विस्तार योजना है, इसमें काफ़ी दिनों से सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, करीबन सप्ताह भर हो गया यहाँ इन्होंने खोद करके और इसी तरह डाल रखा है। यहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं, नर नारी पशु, और वो ये सीधा मलान से जोड़ने वाला सड़क है जिससे कि हर आदमियों का आगमन इसी रोड द्वारा होता है। ठेकेदार से अनेक बार बात की गई और कहा गया कि इस काम को सही ढंग से तरीके से और जल्दी करें, लेकिन वो अपनी लापरवाही से यहाँ के गड्ढे भर देता है जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। उनको समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, उल्टा और लड़ाई करने को और अपनी होशियारी दिखाते हैं, कहते हैं हम इंजीनियर हैं, आप थोड़ी इंजीनियर हैं, इस तरह की वो बातें करके और हमें मतलब गुमराह करते हैं और इसको ठीक नहीं करते। मुख्य मार्ग यही, फिर आने जाने में भी समस्या आ रही है, भारी समस्या आ रही है। हर तरह का व्यक्ति निकलता है, स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं तो काम पर जाने वाले और व्यक्ति निकलते हैं, घोड़ा गाड़ी सब कुछ इधर से निकलते हैं मुख्य मार्ग होने की वजह से। इसलिए इस मार्ग का बड़ा महत्व है और हम ये चाहते हैं कि अच्छा काम हो, जल्दी हो और तुरंत हो, ये हमारा कहना है।